नमस्कार, संगीता अग्रवाल किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बहुत ही टेस्टी नवाबी पनीर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले एक बड़ी बाउल में 15-20 काजू, 2 बड़ी चम्मच खसखस और आधी कटोरी इसमें गर्म पानी करेंगे और इन दोनों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे हमारे काजू और खसखस अच्छे से फूल जाए। और साथ ही 1 कटोरी में 15-20 बादाम लेंगे और इन्हें भी हम आधी कटोरी गर्म पानी में भिगो करके रख देंगे। इसे भी हमें 1 घंटे के लिए भिगो करके रखना है। हमने यहाँ पर बादाम को इसलिए अलग भिगोया है क्योंकि हमें इसके बाद में छिलके उतारने हैं। और साथ ही आधी कटोरी गर्म दूध में 15-20 केसर के धागे भिगो करके रख देंगे। जब तक हमारी सभी चीजें फूलती हैं, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम 1 मिक्सी के जार में 2 छोटी मोटी मोटी कटी हुई प्याज डालेंगे और साथ ही इसमें 4 से 5 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक जिसे हमने छोटे पीस में काट रखा है, इसे जार में डालेंगे। और अब हम ढक्कन लगा करके इन सबको बारीक पीस लेंगे। हमने यहाँ पर सभी चीजों को बारीक पीस लिया है। अब हम इस पेस्ट को बाउल में निकाल लेंगे। हमारे काजू और खसखस फूल चुके हैं। अब हम इन्हें 1 चलनी में डाल करके इनका पानी अलग कर लेंगे और खसखस और काजू को 1 मिक्सी के जार में कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच काजू और खसखस का जो हमने छाना था पानी वो ही डालेंगे और साथ ही इसमें भीगे हुए बादाम जिनका हमने छिलका उतार दिया है वो भी डाल देंगे और इन सबको बारीक पीस लेंगे। हमने सभी चीजों को एकदम बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसे बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये पेस्ट जो है एकदम बारीक होना चाहिए। अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम 1 कढ़ाई को गर्म करके उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी करेंगे। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे, 4 हरी इलायची और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। जब आप मसालों को डालें तो उस समय पर गैस को हल्का रखें। अब हम इसमें पीसी हुई प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब हम प्याज को हल्की गैस पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे हल्की गैस पर ही भूनना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। हमें प्याज को सिर्फ 2-3 मिनट तक ही भूनना है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक और काजू वाली ग्रेवी डाल करके इन सबको भी 2-3 मिनट तक हल्की गैस पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। काजू का पेस्ट डालने के बाद हमारी ग्रेवी को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। आप इसमें ताजा दही यूज करें। और अब हम इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। अगर आप दही को जलती हुई गैस पर ग्रेवी में डालते तो आपकी ग्रेवी का कलर भी खराब हो जाता और दही इसमें जाकर के फट जाता, इसलिए दही को जब भी आप डालें तो गैस बंद करने के बाद ही डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक फिर भूनेंगे। दही डालने के बाद हमारी ग्रेवी को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसे हल्की गैस पर ही बना रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे और साथ ही आधी कटोरी जिसमें हमने केसर भिगो करके रखा था वो वाला दूध भी डाल देंगे। और दूध डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें हल्का हल्का खोला आने लगा है। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर जिसे हमने पीसेज में काट रखा है इसे डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ना डालें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सभी चीजों को 2-3 मिनट तक हल्की गैस पर ही ढक करके पकाएंगे। हमें पनीर को ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ज्यादा पकाने से पनीर टाइट हो जाता है। हमारी सब्जी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी और सॉफ्ट है।
अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा नवाबी पनीर तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।